एसडीएम कोर्ट के अंदर आप यहाँ पे बैठे हो, सारे धरना दिया है, इसका क्या? सर यहाँ आज एसडीएम कोर्ट के अंदर पूरा ब्लॉक नरेंद्रगढ़, वो कुछ बहनें हमारी शहजादपुर की आई हैं, क्योंकि सर एक हमारे दो आंगनवाड़ी सेंटर वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 9 का रविदास मंदिर में चल रहे हैं। जब से नई कमेटी बनी है, वो मंदिर के जो कमेटी सदस्य हैं वो बार बार आके हमारे आंगनवाड़ी वर्कर वो हेल्परों को डरा धमका के ये कहते हैं कि ये यहाँ से खाली कर दो। विभाग के अपने सुपरवाइजर और सीडीपीओ को बताया गया, वो भी 2-3 बार उन लोगों से मिलके आई, उनसे रिक्वेस्ट की कि जैसे ही हमें कोई ठिकाना बनता है हम वहाँ से जगह खाली कर देंगे, या फिर आप हमारे से जो विभाग किराया दे रहा है वो किराया भी पे करेंगे, बिजली का बिल भी देंगे उसके बाद, और अगर आपको चाहिए तो आप चाबी भी रख सकते हैं ताकि आप उस कमरे को ड्यूटी टाइम के बाद जो है अगर आपको जरूरत है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तब तो उन लोगों ने जो हमारे ऑफिसर्स थे उनके सामने वो लोग कहते हैं ठीक है, जब हमारी हेल्पर बिना है, एक विधवा और बेचारी बहुत ही शरीफ एक लेडी है, उसको आते जाते धमकाते हैं, तो तूने यहाँ से सेंटर खाली क्यों नहीं कर दी, तेरा सामान बाहर फेंका, इस तरह से धमकियाँ देते हैं। जब वो कल सुबह अपने आंगनवाड़ी केंद्र में गई तो जो वहाँ के प्रधान हैं और 2-4 बंदे मिलके पौड़ियों पे खड़े हो गए, कहते प्रधान का क्या नाम, हेल्पर का नाम बिना है, नहीं प्रधान प्रधान का नाम नहीं मुझे पता, प्रधान है वहाँ के मंदिर के, तारा चंद है उनका नाम, और वो थे और उनके साथ और थे बंदे, तो उन्होंने ये कहा कि आज तेरे को हम आंगनबाड़ी के अंदर नहीं खोलने देंगे, तू जा यहाँ से। उन्होंने गेट को ताला लगा दिया। उस हेल्पर ने रिक्वेस्ट की कि अंकल मेरे को बरामदे में बैठने दो, मेरी मैडम आएगी तो हम उनसे बात कर लेना, लेकिन वो एक तरह से एक थोड़ी गलत भाषा का इस्तेमाल करते हुए कि जा वहाँ जाके साइड पे कुछ लोग बैठे थे उनकी तरफ, गलत भाषा का मतलब बदतमीजी की। हाँ, उन्होंने थोड़ा सा रूड बोला कि वो बंदी डिप्रेशन में चली गई, और इसी घटना के दौरान जो है जो दो वर्कर्स थी वो दोनों ऑफिस में आई, सीडीपीओ को भी रिटर्न में एप्लीकेशन दे ही रही थी, इन बिटवीन उनके पास फोन आ गया कि जो हेल्पर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, उसके हाथ पैर मुड़ गए, उसका मुंह बिंगा हो गया, उसको हॉस्पिटल लाया गया। हेल्पर का नाम क्या है? हेल्पर का नाम बिना रानी है, उसको हॉस्पिटल में लाया गया और उसको वहाँ से रेफर किया, हमारा उसका सिटी स्कैन वगैरह हुआ, बिल्कुल गरीब वर्कर है, उसके 4-5 हज़ार खर्च हो गए। हम और इससे पहले भी 15-20 दिन पहले एक हमारे शहजादपुर ब्लॉक का गांव है बेलपुरा, वहाँ से हमारी वर्कर ड्यूटी से घर वापस जा रही थी, कुछ लोगों ने उसको रस्ते में रोक के उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज की और छेड़खानी की हरकत हुई, तो उसकी FIR लॉन्च कराई गई। DSP सर से हमने 3-4 बार रिक्वेस्ट की, लेकिन आज तक उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें मजबूरन कि जब हम बार बार हम कहाँ कहाँ जाएँ, हम ना तो हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम इधर उधर रिश्वत दें, ना ही हमें घरों से इतनी परमिशन है कि जाके हम मंत्रियों के दरबार में बैठे हैं, हमारे पास सिर्फ एकता है, हम अपना इंसाफ चाहती हैं, अपने इंसाफ के लिए हम आज लोग अपने सेंटर छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। तो प्रशासन से आप क्या चाहते हो? प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, हमारी सेफ्टी की प्रशासन जिम्मेवारी ले कि हम सेफ हों। ये क्या मतलब हुआ, कोई ड्यूटी पे आ रही है तो उसके साथ एक जो उसको डिप्रेशन में भेज दिया जाता है गलत व्यवहार के कारण, और एक वर्कर ड्यूटी से घर वापस जा रही है उसके साथ मारपीट हो रही है, छेड़खानी हो रही है, अब इससे ज्यादा और क्या सर? आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनुपमा है, मैं जिला अम्बाला की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनिट की प्रधान हूँ और अपनी राज्य कमेटी की एक मेंबर हूँ।